सो गाइस कैसे आप सभी लोग, सो गाइस मैं हूं शराब, आप देख रहे हैं टेक्निकल वन। सो गाइस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गाइस आज मैं आपको ऐसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जिसमें गाइस मुझे 90% कमेंट ये देखने को मिल रहे हैं, भाई जीरो सीडी रोम का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, अभी करूं तो करूं क्या। सो गाइस आपको पता ही होगा 2 साल पहले गाइस मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे गाइस आपको देखने को मिला कि किस तरीके से गाइस एक लैपटॉप का जो प्रॉब्लम होता है, यानी कि सीडी डीवीडी का कुछ इस तरीके से ऑप्शन होता है, वो कभी कभी गायब हो जाता है, और गायब होने जैसे गाइस हम थोड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि किस तरीके से हम अपनी सीडी जो है इनपुट कर सके। तो गाइस मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था और गाइस आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी बहुत किया है, 2.5 लाख व्यूज है गाइस उस वीडियो पे अभी, ठीक है। तो गाइस अभी मैं अगर बताऊं तो यार वहां पे बहुत सारे कमेंट मुझे ये देखने को मिल रहे कि यार जीरो सीडी रोम का ऑप्शन ही नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे गाइस हम लैपटॉप ओपन करते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं, वहां पे एक जीरो सीडी रोम का ऑप्शन ही कुछ इस तरीके सा वो गाइस वहां पे नहीं आ रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। तो गाइस आज इस वीडियो में आपको जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आने वाला है, मैं बताने वाला हूं। सो गाइस आज जो मैं आपको 2 रास्ते बताने वाला हूं इसे सॉल्व करने के, कि किस तरीके से गाइस आप जो है सीडी डीवीडी का जो ऑप्शन है जो कि शो नहीं हो रहा है उसे किस तरीके से सॉल्व करें। सो गाइस आज आपको 2 रास्ते देखने को मिलने वाले, तो इसलिए गाइस स्टार्टिंग से एंड तक की वीडियो पूरा देखियो। चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले चैनल पे कोई नया आया होगा तो यार सब्सक्राइब वाला बटन दबा के साइड वाला घंटा प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइस आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस जैसे कि मैं पहुंच गया अपने लैपटॉप में, तो गाइस आपको मैं मेथड नंबर 1 बताता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सिंपली कुछ नहीं, मैं अभी रिफ्रेश मार रहा हूँ, अभी गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरा सीडी डीवीडी का जो ऑप्शन होता है यहाँ से फुल्ली गायब हो चुका है, यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है जिसको मैं क्लिक करके जो अपनी सीडी है वो इनपुट कर सकता हूँ। अब गाइस इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं बैक चले जाता हूँ। यहाँ पे गाइस कुछ नहीं, सर्च मारना है कंप्यूटर मैनेजमेंट। सो गाइस यहाँ पे मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट जैसे सर्च मारता हूँ मेरे सामने ये आ जाता है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ही गाइस मैं इसे ओपन कर लेता हूं मेरे सामने एक बड़ी स्क्रीन ओपन हो जाती है, तो इसे मैं देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, उसमें से एक डिस्क मैनेजमेंट है उसे सिंपली क्लिक कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्लिक कर दिया है मैं इसे बड़ा कर देता हूं। अब गाइस देख सकते हैं यहां पे सीडी रोम 0 का ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। सबसे पहले तो यहां पे मेरे जो हार्ड डिस्क है वो है यहां पे, ठीक है, और यहां पे है सीडी रोम 0, तो इसको राइट क्लिक कीजिए, सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, राइट क्लिक कीजिए और जैसे ही राइट क्लिक करते चेंज ड्राइव लेटर पाथ पे जाना है और यहां पे ऐड कर देना है। ऐड पे जाने के बाद कौन सा भी एक लेटर चूज कीजिए, जो आपको लेटर लगता है उस टाइप का आपको लेटर यहां पे ले लेना है। तो यहां पे मैं कौन सा भी एक लेटर ले लेता हूं जैसे कि आर, और ओके कर देता हूं। जैसे ही ओके कर दिया अब गाइस कुछ नहीं करना है, बैक चले जाना है, और अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूं कि वो ऑप्शन दिख रहा है या नहीं। पहले तो रिफ्रेश मार दीजिएगा 3 बार जितने बार मारना है, और कंप्यूटर में देख सकते हैं अभी वो ऑप्शन है जैसे का वैसा आ चुका है। जैसे मैं इसे अगर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं, अपनी जो ड्राइव है वो खुल जाएगी, ठीक है। सो गाइस ये होता है एक सिंपल सा प्रॉब्लम जिसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा। चलिए चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सो गाइस जैसे कि आपने फर्स्ट वे देख लिया होगा जो कि मैंने 2 साल पहले बताया था, और अभी गाइस मैंने वही स्टेप आपको बताई है, वो स्टेप गाइस आप फॉलो कीजिए, जिसका कंप्लीट हो रहा है उसके लिए मेरे तरफ से कांग्रेचुलेशन ताली, और जिसका नहीं हुआ है अब वो बंदे आ जाइए। तो अभी जिसका वहां पे डिस्क मैनेजमेंट में जाके जीरो सीडी रोम नहीं आ रहा है तो उसका टेंशन मत लो, अभी मैं बताता हूं कि करना क्या है। कुछ मत कीजिए, अपना जो लैपटॉप है अपने हाथ में लीजिए। Yes, so guys, मेरा लैपटॉप मेरे हाथ में आ चुका है। अब गाइज आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो लैपटॉप है ना वो 360 डिग्री में देखना है। सो गाइज ये मेरे लैपटॉप को देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ यूएसबी स्लॉट से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे और कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे गाइज चार्जिंग पॉइंट है जहां पे हम चार्जिंग वाला केबल जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब इतना ही नहीं, हम उसके दूसरे तरफ देखे तो दूसरे तरफ गाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे गाइज आपको एसडी कार्ड करके नजर आ रहा होगा, वहां पे गाइज आप जो है अपने डीएसएलआर की जो मेमोरी कार्ड होती है वो गाइस आप उसमें डाल सकते हैं, उसके साइड में यूएसबी स्लॉट दे रखी है, और ठीक उसके साइड में देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहां पे आप देख सकते हैं सीडी डीवीडी जो ड्राइव है ये आप आपको देखने को मिल रहे होंगे। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूं तो गाइस आपको देख सकते हैं यहां पे जो है मेरी सीडी डीवीडी ड्राइव जो है वो खुल चुकी है इस तरीके से। अब इसे मैं सिंपली बंद कर देता हूं। तो गाइस अभी जो बंदों का जीरो सीडी रोम नहीं देखने को आ रहा था उस बंदों को क्या करना है, अपना लैपटॉप 360 डिग्री में घुमाना है और वहां पे सीडी डीवीडी ड्राइव दे रखी है या नहीं। ऑब्वियसली गाइस जिसका जो है जीरो सीडी रोम नहीं देखने को मिल रहा है उनके यहां पे सीडी डीवीडी ड्राइव नहीं होगी।
हाँ गाइज, वो प्रॉब्लम मेरा नहीं था, वो प्रॉब्लम आपके लैपटॉप का है, जहां पे गाइज सीडी डीवीडी ड्राइव जो है वो बिल्ड बिल्कुल भी नहीं किए है कंपनी वालों ने। बड़े बदमाश है यार ये कंपनी वाले जो सीडी डीवीडी ड्राइव नहीं दे रहे हैं। सो गाइज, अब भी आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो सीडी रोम, जब भी हम डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं जीरो सीडी रोम क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, तो उसका कारण एक ही है, आपके लैपटॉप में सीडी डीवीडी ड्राइव इनपुट नहीं की गई है। मतलब कि वो जो है लैपटॉप बिल्ड ही इस तरीके से किया है कि वो ड्राइव उसमें नहीं है। तो गाइज ये था अपना जो है सेकंड वे, जहां पे आपको देखने को मिला कि गाइज उसका जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो एक ही सॉल्यूशन है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ। गाइज आपको आप सीडी डीवीडी ड्राइव्स देखने को मिल रहे होंगे, आपको जिस रेंज में चाहिए उस रेंज में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। सो गाइज डिस्क्रिप्शन में जाइए, अमेज़न से आप बाय कर सकते हैं आपको अगर यूज होगा तो उसका, ठीक है। बस गाइस ये उसका सॉल्यूशन था। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक वाला बटन दबाओ, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के साइड वाला घंटा प्रेस कर दो। चलिए गाइस आज की वीडियो यही तक के, बाय बाय।